মূল্যর বিনিময়ত রক্ষা করার বাবে চেষ্টা করেছে, সেইটোতো অপরাধ হব নোৱাৰে। কিন্তু সেইটোকে আমাৰ কিছুমান ৰাজনৈতিক নেতাই অপরাধর সংজ্ঞা দিব আৰম্ভ কৰিছে। যদি ঘৰখনৰ বৃদ্ধ দেউতাক মাকক জীৱনটো ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলোৱাটো অপরাধ হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাধাৰা যোনে প্ৰচাৰ কৰে আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তাধাৰা যোনে পৃষ্ঠপোষকতা কৰে, তেওঁলোকক মই দ্বিধাহীনভাৱে ক'ব খোজোঁ যে তেওঁলোকে মৃত্যুৰ সৈতে খেলিব চেষ্টা কৰি আছে, মানুহৰ জীৱনৰ সৈতে তেওঁলোকে খেলিব চেষ্টা কৰি আছে। টেষ্টিং বহুত জ্যাদা বঢ়া দি, লেকিন টেষ্টিং ইছলিয়ে হ'ব পাৰি হে কিউকি হোম আইছোলেশ্যন হে। আজ মই দেখতা হওঁ কি কুছ ৰাজ্য দেশ মে এছে হে নহীঁ হে, वहां पे अगर आप कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए आज अगर और आपके सिम्टम्स भी नहीं है या माइल्ड सिम्टम है, आपको उठा के क्वारंटाइन सेंटर में डाल दिया जाता है। तो लोग डरते हैं कि अगर मैं टेस्ट कराऊंगा तो मेरे को उठा के क्वारंटाइन सेंटर में डाल देंगे, लोग टेस्ट ही नहीं करा रहे। दिल्ली में हमने होम आइसोलेशन का बहुत शानदार प्रोग्राम किया, लोगों को घर के अंदर ऑक्सीमीटर पहुंचा देते हैं, लोगों को डेली टेली काउंसलिंग होती है, उनको घर के अंदर हम कंफर्टेबल करते हैं और उसकी वजह से पिछले 12 दिन में होम आइसोलेशन में एक भी डेथ नहीं हुई है। तो अब लोगों को टेस्ट कराने में डर नहीं लग रहा, लोग खूब जम के टेस्ट करा रहे हैं, 20-20, 22-22 हज़ार टेस्ट डेली हो रहे हैं। और भी बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं दिल्ली के अंदर, जिसकी वजह से आज दिल्ली के अंदर कोरोना